अगर एक दिन आपके साथ ऐसा हो कि आप सुबह सो के उठो और अपने चारों तरफ देखो कि चारों तरफ इंसान इंसान को काट के खा रहा है, मतलब बिल्कुल जानवरों जैसा बिहेव कर रहा है, और ऐसा बिहेव करने वाले लोग जिसको भी काट रहे हैं वो भी उनके जैसा बन जा रहा है, और काफी कम समय में 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, और ऐसे लोग बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, कैसे खुद को बचाओगे, जस्ट इमेजिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये दुनिया जितनी रहस्यमय है और कब क्या हो जाए इस बात का अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल है। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना की जो अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन कई हॉलीवुड मूवीज के जरिए हम उस इमेजिनेशन को देख चुके हैं। ऐसा नहीं है कि मैं हॉलीवुड मूवीज का प्रमोशन कर रहा हूँ, लेकिन पहले भी कई बार हॉलीवुड मूवीज में दिखाई गई कुछ घटनाएं सच साबित हो चुकी हैं। और आज हम बात करेंगे ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स पर। आज हम बात करेंगे इस पूरे टॉपिक पर कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। अगर बात की जाए इंसान के ज़ॉम्बी बनने की, तो ऐसा होने के चांसेस किसी वायरस या बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी हो सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा किसी वायरस या बैक्टीरिया से कैसे हो सकता है, तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए इसके पीछे की साइंस को समझना बेहद जरूरी है। और साइंस ये है कि जब हमारी बॉडी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है, वो जिस भी किसी वायरस या बैक्टीरिया से हुआ होता है, उसका इफेक्ट हमारी पूरी बॉडी पर होता है। और किसी इन्फेक्शन का असर किसी इंसान के दिमाग पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि छोटे बच्चों को मेनिंजाइटिस का इन्फेक्शन होता है, तो उससे उनके दिमाग पे जो असर पड़ता है, मेनिंजाइटिस एक तरह का दिमाग का इन्फेक्शन होता है जो कि छोटे बच्चों को ज्यादा होता है, और ये इन्फेक्शन एक तरह से उनके दिमाग को कंट्रोल करता है, जिसकी वजह से उनको दौरे वगैरह आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से रेबीज का इन्फेक्शन भी दिमाग पर असर डालता है। आपने अपने आसपास के एरिया में कभी ना कभी तो सुना ही होगा कि किसी पर्सन को डॉग ने काट लिया और फिर उसके बाद उसे रेबीज हो गया, और रेबीज होने के बाद इंसान के व्यवहार में काफी हद तक बदलाव आ जाते हैं, और साथ ही साथ उनका जो व्यवहार होता है थोड़ा थोड़ा सिमिलर टू डॉग्स हो जाता है। और इसके पीछे का रीजन सिर्फ यही होता है कि उस इन्फेक्शन ने पूरी तरह से उनके दिमाग पर अपना कब्जा कर लिया होता है। अगर कोई इन्फेक्शन आपके दिमाग को अग्रेसिव बना दे, आपके दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल करने लगे, तो ऐसी कंडीशन में आप अपने दिमाग का कंट्रोल पूरी तरह से खो दोगे, आपका बिल्कुल भी कंट्रोल अपने दिमाग पर नहीं रह जाएगा। और ठीक ऐसा ही तब होता है जब इंसान ज़ॉम्बीज बन जाते हैं। नहीं मतलब ऐसा अभी तक हुआ तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे का कारण ये हो सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा हो पाना पॉसिबल कैसे है, और जवाब ये है कि हाँ, ऐसा हो पाना पॉसिबल है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ऐसा होना पॉसिबल है। इस तरह का इन्फेक्शन एक खास प्रकार के पैरासाइटिक फंगस के रूप में चींटियों में पाया जाता है। उस फंगस को ज़ॉम्बी फंगस भी कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं ऑफियोकॉर्डिसेप्स यूनिलैटरलिस नाम की फंगस की। ये फंगस ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और थाईलैंड के रेन फॉरेस्ट में पाई जाती है, और ये फंगस कारपेंटर आंट नाम की चींटियों की प्रजाति पर पूरी तरह से अटैक करके और उनको इन्फेक्ट कर देती है। और इन्फेक्ट होने के बाद चींटी का जो दिमाग होता है उस पर पूरी तरह से इस फंगस का कब्जा हो जाता है, और वो इसे पूरी तरह से कंट्रोल करती है।
और धीरे धीरे ये फंगस चींटी की बॉडी में ग्रो करने लगती है और चींटी को एक अलग जगह पर ले जाती है। चींटी के बिहेवियर में इस हद तक चेंजेस आने लगते हैं कि चींटी बहुत ज्यादा मात्रा में पत्तियां खाने लगती है और ये फंगस चींटी के शरीर में ही ग्रो करके चींटी के शरीर से ही अपने लिए खाना प्राप्त करती है और ग्रो करती जाती है और अंत में चींटी की मौत हो जाती है। लेकिन उसी के साथ साथ ये फंगस उसके पूरे शरीर से बाहर निकल कर उसकी नेक से होते हुए बढ़ने लगती है और जब बाकी की चींटियां इसके कांटेक्ट में आती हैं तो ये उन सब को भी इन्फेक्ट कर देती है। और इस एग्जांपल के जरिए हम इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि शायद कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस या किसी भी तरह का कोई फंगस ऐसा एग्जिस्ट करता हो इस दुनिया के अंदर जो इंसान को भी इसी तरह से इन्फेक्ट कर दे। और आपको ये बात जानकर बेहद हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट्स की ऑर्गेनाइजेशन CDC की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़ॉम्बीज एपोकलिप्स से बचने के लिए, यानी कि अगर इन केस ऐसा होता है तो उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, इस पर एक पूरा आर्टिकल उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर रखा है। का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अगर सच में ऐसा कुछ हो जाए तो आप क्या करोगे, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।